साथ कर रहे हैं। बताएं आपको कि हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। छठे दिन भी हरियाणा में लू का रेड अलर्ट देखने को मिला है और तापमान 48 से 50 डिग्री तक रहने की संभावना है। गर्मी के चलते प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। 12 से 4 बजे के बीच घरों में रहने की ही हिदायत दी है। खासतौर पर 12 से 4 बजे का समय ये वो समय है जब धूप जो है और ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए घरों के अंदर ही रहे। भीषण गर्मी का कहर जिस तरह से जारी है उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि घरों के अंदर ही रहे जब तक जरूरी काम ना हो, घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे में ज्यादा ख्याल रखने की बुजुर्गों और बच्चों की बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है। धूप में निकलने से बचने की साफ तौर पर हिदायत जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से भी दी जा रही है। हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर जो है जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल हो रहा है, मुंह ढककर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर आपको बहुत जरूरी काम नहीं है तो इतनी गर्मी में घरों से बाहर ना निकले। भीषण गर्मी का कहर जारी है हरियाणा में। झुलसा देने वाली गर्मी के दिनों में रादौर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि बढ़ती गर्मी के साथ शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। ऐसे में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को थोड़ा सावधान रहने की तो जरूरत है। लापरवाही करेंगे तो शरीर पर ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। रादौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने लोगों को लू में घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। देखिए जैसा आप जानते हैं एकदम से गर्मी पड़ी है और सरकार द्वारा भी इसके बारे में हिदायतें जारी करी जा चुकी हैं। हीट वेव जो है इस वक्त आप देख रहे हैं टेम्परेचर 45-46 डिग्री एकदम जा रहा है और गर्म खुश्क हवाएं चल रही है। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं ज्यादातर लूज मोशन के साथ आ रहे हैं या वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं, फीवर उनको साथ में है। तो इसमें मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप अपने घर से बाहर बेमतलब ना निकले, बेवजह बाहर ना जाए, पानी भरपूर मात्रा में पिए, ओआरएस का इस्तेमाल करें और कोई भी चीज मार्केट से या बाजार से ऐसी लेके ना खाएं जो खुली हो। आपने अगर लेनी है जैसे अब क्या तरबूज आ रहा है उसका भरपूर इस्तेमाल करें खाएं। इसी तरीके से तरल पदार्थ, हरी सब्जियां, उनका सेवन ज्यादा करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण जैसे कि बहुत मुंह सूख रहा है या पेशाब नहीं आ रहा या ऐसा प्रतीत होता है कि आंसू कम आ रहे हैं या चिड़चिड़ापन है तो तुरंत प्रभाव से आप हॉस्पिटल में। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहयोगी गगन सांगर जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से और करनाल से मेरे साथ मुकुल सतीजा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन, कुरुक्षेत्र में बताइए अभी टेम्परेचर कितना है और किस तरह से लोग इस गर्मी को झेल पा रहे हैं या गर्मी से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। गगन बिल्कुल सृष्टि, इस समय का तापमान की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का तापमान 44 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है और टेम्परेचर आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो किया गया है कि टेम्परेचर बढ़ने को लेकर यह गर्मी से अभी राहत नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा भी जो है लोगों से अपील की गई है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है ना निकले। दोपहर के समय जो है डॉक्टरों के द्वारा कहा कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है अधिक धूप रहती है तो जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में अधिकतर जो है मरीज जो है लगातार जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनको काफी दिक्कत जो हो रही है गर्मी की वजह से। तकरीबन बच्चे और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। गर्म हवाएं चल रही है, लोग जो घरों से निकल भी रहे हैं अपने आपको किसी ना किसी तरीके से कवर करके निकलते हुए दिखाई दे रहे और जो कुछ युवक तो इस तरह से जो परने या रुमाल जो ले रहे हैं उसे गीला करके अपने मुंह को लपेट कर जो है पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आंखों पर चश्मा लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा आम जनता से ही कहा कि अधिक से अधिक पानी पिए, नींबू पानी का सेवन करें, नारियल पानी पिए, इस तरह से जो है गर्मी से जो है निजात जो है पा सकते हैं। अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, मौसम विभाग के द्वारा जो है कहा गया जब तक बरसात ना आ जाए, मानसून आने में भी काफी अभी समय जो है बाकी है। गर्मी अभी टेम्परेचर
जो है बढ़ने को लेकर है। जी जी जी, गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी और जिस तरह से आपने बताया इसी के चलते जो लोग हैं वो तरह तरह के अब उपाय जो है वो कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। हालांकि इस बीच डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और खासतौर पर 12 से 4 बजे तक का ये वो समय है जब धूप जो है सूरज जो है वो सर पर होगा और ऐसे में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो घरों के अंदर ही रहे। करनाल से मुकुल मैं आपका रुख करना चाहूंगी और करनाल में अभी कैसा है मौसम का मिजाज, कितना टेम्परेचर अभी बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर अभी तापमान की बात करें 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर अभी फिलहाल करनाल का है, वहीं लगातार जो गर्मी है ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं चाहे मौसम विभाग की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, लगातार वो लोगों से यही हिदायत दे रहे हैं कि अगर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकली, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है और इसका सीधा असर जो है छोटे बच्चों में देखने को मिलता है या बुजुर्गों में देखने को मिलता है। क्योंकि अस्पताल की अगर बात करें, अस्पताल में भी काफी मामले सामने आते हैं, इसमें जो है कहीं किसी को कोई चक्कर आता है, कोई डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ऐसे में लगातार जो डॉक्टर हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी का सेवन जरूर करते रहिए, तरल पदार्थ जरूर आप पीते रहिए, चाहे वो नींबू पानी हो या गन्ने का जूस हो या पानी है वो जरूर पीते रहिए, और कोई जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर मत निकलिए। क्योंकि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं अक्सर जो है देखने को मिलता है कि लोग जो है किस तरीके से, हालांकि वो मजबूरी में निकलते हैं या कोई जरूरी काम होता है तभी घरों से बाहर निकलते हैं, और जब हम देखते हैं वो बाइक पर जा रहे होते हैं, किसी भी टू व्हीलर पर जा रहे होते हैं, उनके पास जो है वो गीला कपड़ा जो है अपने सर पर लेकर चलते हैं, कोई पैदल या रिक्शा में जाता है वो छाते का इस्तेमाल करता है, लोग भी जो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं बचते हुए गर्मी से जो है धूप से बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, और खासतौर पर अगर गौर किया जाए तो इससे दुकानदारों के व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी है ज्यादा इसलिए लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, बाजारों में भी कम जा रहे हैं। तो गगन, दुकानदारों का इस पर क्या कुछ कहना है, अगर आपने बातचीत की हो उनका हाल जाना हो तो? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अति गर्मी पड़ने की वजह से जो लोग हैं वो सुबह के समय में ही बाजारों से अपना सामान लेकर चले जाते हैं, दोपहर के समय में बाजार बिल्कुल खाली खाली दिखते हैं, जिससे जो लोग दुकानदारों का कहना है कि गर्मी पड़ने की वजह से जो है बाजार बिल्कुल सूने हो चुके हैं, कोई जो है सामान लेने के लिए नहीं आता है। तकरीबन जो है बाजार जिस समय शाम को ही कुछ लोग जो है अपना सामान लेने के लिए आता है, लेकिन सारा दिन जो है बाजार बिल्कुल सोना सोना रहता है। तकरीबन देखा गया कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं लगातार जो है पानी की छबीले जो है लगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और जितना हो सके हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, पानी का सेवन जो है अधिक से अधिक करें, और डॉक्टरों के द्वारा भी कहा गया कि जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले। देखिए कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पूर्ण रूप से गर्मी पूरा कहर मचाती हुई दिखाई दे रही है, टेम्परेचर अभी 44 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर बढ़ने को लेकर ही है। जी मुकुल, आप बताइए अस्पतालों में अगर प्रबंध की बात की जाए, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं बढ़ती गर्मी की वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं क्या अस्पतालों में नजर आ रही हैं? करें वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि इस मौसम में जो है कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो मामले हैं वो लगातार हॉस्पिटल में जरूर आते हैं, उसके लिए जो है पूरे प्रबंध उनकी तरफ से जरूर कर दिए गए हैं, और ऐसे में जो है हिदायत जो है वो डॉक्टर की ओर से साफ तौर पर दी जाती है कि कम से कम कोशिश कीजिए कि आप जो है ग्लूकोज लीजिए या पानी लीजिए या तरल पदार्थ जो है वो समय समय पर जरूर लेते रहिए, ताकि किसी तरीके की परेशानी जो है वो आमजन को ना देखने को मिले। क्योंकि अस्पताल में जो है हालांकि पूरी ओर से जो है व्यवस्था जरूर कर दी गई है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि हॉस्पिटल में जो किसी को जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो 43 से 44 डिग्री तक पहुंचा हुआ है और मौसम विभाग साफ कर चुका है कि अभी गर्मी इसी तरह से बढ़ेगी, तो अपना खास ख्याल रखें, और उम्मीद यही की जा रही है कि लोग डॉक्टर्स की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हो रही है, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट लगाए जा रहे हैं उसको जरूर ध्यान दे रहे होंगे उस पर, और अपने घरों में बच्चों का और बुजुर्गों का तो विशेष तौर पर खास ख्याल रख रहे होंगे।